हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद आई हूँ आपके लिए, वीडियो लेके आई हूँ जो है कमल की ककड़ी के कोफ्ते, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए, कमल के ककड़ी लिया है मैंने, इसको मैंने बॉईल कर लिया है कुकर में। 2 से 3 सीटी लगा लेना है। तो अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इस बाउल में मैंने 2 चम्मच ये आरा रोट डाला है ताकि क्रंची हो हमारा, और ये बॉईल किया हुआ मैंने कमल ककड़ी डाली है। तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। और थोड़ा सा लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब नमक, हल्दी, और हल्दी डालने के बाद डालेंगे इसमें थोड़े से गरम मसाले, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो ये देखिए, ऐसे करके इसको हम तोड़ लेंगे, क्योंकि ये उबली हुई है तो आराम से मैश हो जाएगी। तो ये देखिए, और थोड़ी सी इसमें नींबू का रस या अमचूर भी डाल लेना, और अदरक लहसुन पिसी हुई भी डाला है मैंने, सॉरी दिखा नहीं पाई मैं। तो अब इसको हमने इस तरह से, देख सकते हो आप, इसको फ्राई कर लेना है धीमी आँच पर। तो इसकी आप चाहे तो सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है तो मैंने इसको ऐसे चाय के साथ खाने के लिए बनाया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए थोड़े से और बना लेती हूँ। तो ये आप डिज़ाइन के आप अपने मन चाहे हिसाब से बना सकते हो। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी